हेलो भाई लोगों। और यार आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रास्ता है और उसकी मदद से आप लोग डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। यार सबसे पहले यार कोई भी अपना एक ब्राउज़र आप लोग ओपन कर लेना। उसके बाद आप लोग को लिखना है टेल्स, ठीक है, टेल्स OS बस आप लोग को लिखना है, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हम लोग पेन ड्राइव में एक लाइव परसिस्टेंस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे जिसका नाम है टेल्स, ठीक है। उसे हम लोग बूट करेंगे, देन हम लोग यहाँ से डार्क वेब को एक्सेस करने वाले हैं। और फिर जो काम करना है भाई लोग वहाँ पे आप लोग कर लेना और फिर उसके बाद USB को निकाल कर फेंक दो, कोई ट्रेस नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं और बाकी बूटेबल क्रिएट करने के लिए आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे रूफूस का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे इंस्टॉल टेल्स पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और डाउनलोड ओनली फॉर USB स्टिक्स पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड टेल्स 5.18 USB 1.3 GB का होने वाला है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन आप लोग यहाँ से इसे वेरीफाई भी कर सकते हो और फिर वापस आप लोग को जो करना है वो। और यहाँ पे आप लोग वार्निंग देख सकते हो, टेल्स इज सेफ बट नॉट मैजिक, ठीक है। टेल्स सेफ होने वाला है बट मैजिक नहीं है, मतलब आप लोगों को केयरलेस नहीं होना है भाई, अच्छे से यूज करना, ठीक है, मतलब ध्यान देना है। और यहाँ पे आप लोग कुछ देख सकते हो, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी व्हेन यूजिंग टेल्स, ठीक है। कैसे आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो, शेयर फाइल्स विद मेटा डेटा सच एज डेट टाइम लोकेशन एंड डिवाइसेस इन्फॉर्मेशन यूजिंग टेल्स फॉर मोर देन वन पर्पस यूज टाइम, ठीक है। ये सब एक्टिविटी जो है आपके आइडेंटिटी को रिवील कर सकता है। अगर आप लोग उसी पेन ड्राइव को अगर शेयर कर दे रहे हो, ठीक है, जिसमें मेटा डाटा है जैसे कि डेट टाइम लोकेशन, ठीक है, ये सब आप लोग शेयर मत करना वहाँ पे, फाइल्स को आपको शेयर नहीं करना है और टेल्स को एक पर्पस से ज़्यादा के लिए एक समय पे नहीं यूज़ करना है, मतलब ये मल्टीटास्किंग यहाँ पे आप लोग को नहीं करना है। अब टॉर का आप लोग यहाँ पे कुछ लिमिटेशन देख सकते हो, ठीक है, ये आपके आइडेंटिटी को हाइड कर देगा, हाइडिंग दैट यू आर यूजिंग टॉर एंड टेल्स, ठीक है, ये हाइड कर देता है। प्रोटेक्टिंग योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड डिटरमाइंड स्किल्ड अटैक्स, ठीक है। अब टॉर का आप लोग कुछ लिमिटेशन भी देख सकते हो, जो कि आपका जो ISP होता है ना वो तो आप लोग को देख सकता है लोकल नेटवर्क पे कि आप लोग हाँ ये टॉर एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, टॉर ब्राउजर आप लोग टॉर नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, बट लेकिन वो नहीं जान सकता है कि आप लोग क्या साइट को आप लोग विजिट कर सकते कर रहे हो, ये वो नहीं जान सकता है, लेकिन उसे पता है कि आप लोग टॉर ब्राउजर का यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आप टॉर ब्रिज का आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी आप लोग जो डार्क वेब पे अगर आप लोग कोई साइट को विजिट करते हो तो उस साइट को पता है कि आप टॉर का यूज आप लोग कर रहे हो, क्यों वो लोग जान पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो भी साइट को आप लोग एक्सेस करते हो तो वो साइट को पता चल जाएगा कि आप लोग टॉर नेटवर्क का यूज कर रहे हो, क्योंकि जो टॉर होता है वो नोड्स पे चलता है, ठीक है, जो एग्जिट नोड्स होता है ना टॉर का उसे वो पता लगा लेता है कि आप लोग टॉर का यूज कर रहे हो, तो ये लिमिटेशन है टॉर का, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो भाई, पढ़ लेना ये सबको थोड़ा अच्छा से, बाकी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस आप लोग को डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, देन आप लोग को इसे क्लोज कर देना, कोई काम नहीं करना। रूफूस को बस आप लोग एक बार डाउनलोड कर लेना, इसे आप लोग को ओपन करना है, उससे पहले पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव यहाँ पे आ चुका है, इसे ओपन करते हैं और यस, और भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ड्राइव F 8 GB का है और यहाँ पे डिस्क और ISO इमेज यहाँ पे किया हुआ है सेलेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है और ISO को यहाँ पे tails.img फाइल है इसको ओपन करना है और ये भाई सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट करना है और ये बूटेबल क्रिएट हो रहा है, स्टार्ट करते हैं, राइट कर रहा है इमेज को और भाई ये जो हमारा पेन ड्राइव है ये बूटेबल हो चुका है, इसे हम लोग सिंपली क्लोज करते हैं। अब बस रीस्टार्ट करना है। तो भाई लोग यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा टेल्स है वो बूट हो चुका है और इसका जो वेलकम स्क्रीन होता है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आ रहा है लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो लैंग्वेज ये सब सही है, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक परसिस्टेंट स्टोरेज करके आ रहा है, ठीक है, क्रिएट अ परसिस्टेंट स्टोरेज। अब इसका क्या काम होने वाला है, परसिस्टेंट स्टोरेज मतलब कि एक इनक्रिप्टेड स्टोरेज यहाँ पे बन जाएगा, मतलब कि एक डिवीजन बन जाएगा आपके USB स्टिक में, ठीक है। जो भी आप लोग फाइल्स को यहाँ पे सर्फ करने वाले हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोग डाउनलोड करोगे वो एक परसिस्टेंट स्टोरेज में, एक इनक्रिप्टेड स्टोरेज में सेव हो जाएगा जिसे आप जब चाहे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसे अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ऑन कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है, ठीक है।
आप लोग यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के साथ भी जा सकते हो अगर चाहते हो तो, बाकी जो डिफॉल्ट है वो सही रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के हम लोग स्टार्ट करते हैं टेल्स को। ठीक है, जो हमारा टेल्स है वो बूट हो चुका है, अब हम लोग को क्या करना है, इसे इंटरनेट देना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो डार्क वेब को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है, देन यहाँ पे आना है वाईफाई नॉट कनेक्टेड। ठीक है, देन सेलेक्ट नेटवर्क पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे अपना नेटवर्क को क्लिक चूज करना है और यहाँ पे कनेक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो टॉर कनेक्शन का पॉपअप यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे कनेक्ट टू टॉर ऑटोमेटिकली, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगर और टॉर ब्रिज, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप पे स्टॉक करता है, ठीक है, आपके इंटरनेट एक्टिविटी पर नज़र रखता है, तो आप लोग इस पे यूज़ कर सकते हो। बाकी जो टॉर है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा समझदार है, अगर उसे लगेगा कि टॉर ब्रिज क्रिएट करना है तो ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पे आना कनेक्ट टू टॉर पे आप लोगों को क्लिक करना है, एंड यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग द सिस्टम्स क्लॉक, और ये कनेक्ट हो रहा है टॉर ब्रिज से, टॉर से विदाउट ब्रिज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो टॉर के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हम लोग एनोनिमसली हम लोग जा सकते हैं डार्क वेब पे। ठीक है, यार यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉर ब्राउजर को, और स्टार्ट टॉर ब्राउजर पे हम लोगों ने मैंने क्लिक कर दिया है। और यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा टेल्स डॉट नेट का यहाँ पे डार्क वेब पे ये जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एक वेबसाइट यहाँ पे टेल्स का ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे 3 relays यहाँ पे आ चुके हैं। टेल्स डॉट नेट को ये कैसे एक्सेस कर पा रहा है, ये हमारा टॉर ब्राउजर है, ये टॉर सर्किट है बेसिकली। ठीक है, फिनलैंड का यहाँ पे एक गार्ड बना हुआ है। ठीक है, हम लोग जब भी अपने नोट को अगर हम लोग चेंज करेंगे ना तो जो गार्ड है वो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी ये दोनों चेंज होगा। देन ये जर्मनी को एक्सेस कर रहा है, उसके बाद नीदरलैंड, फिर उसके बाद हम लोग टेल्स डॉट नेट को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग को कुछ लगता है कि यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस या कुछ भी अगर हम लोग का इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है तो हम लोग सीधा यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, BBC न्यूज़ का यहाँ पे हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, डार्क वेब पे वही लोग, यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो BBC का होम पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग अगर लिंक पे ध्यान दो तो यहाँ पे डॉट अनियन यहाँ पे है लिंक पे। ठीक है, मतलब कि ये जो लिंक ओपन हुआ है ये डार्क वेब पे ओपन हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो BBC का यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ है, और ये सब जो न्यूज़ है वो आपको नॉर्मल सरफेस वेब पे नहीं मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।